हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑन गेमिंग। बाकी आपको ये वीडियो में सीजी के कुछ अनबिलीवेबल फाइट आपको देखने को मिलने वाले हैं, और जो इरेंगल का था वो फाइट देखना आपको बहुत ही मज़ा आएगा, जिसमें गॉब्लिन ने आई थिंक सोलो नाइन एट या नाइन फिनिशेस निकाला था। और साथ में आपको चिकन डिनर देखने को मिलेगा सीजी का, एंड बहुत कुछ देखने को मिलेंगे। एंड सीजी भी लाइक काफ़ी स्ट्रांग दिख रही है, जैसे अभी आपको टीम सोल देखने को मिल रही है, टीम सोल भी काफ़ी स्ट्रांग हो चुकी है और सीजी भी हो चुकी है, तो बीजीएमएस देखने में बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो रेडी रहना और चलते हम सीधा वो मैच की तरफ। बाकी यहाँ से जो टीम वेलोसिटी है अभी थोड़ा दूरी बनाए रखेगी, सही मौके की तलाश पड़ेगी तब जाकर इस फाइट पे जा सकती है। बट अभी के लिए नकुल बहुत बढ़िया यहाँ से टेलीशन आने वाले कोशिश कर रहे थे यहाँ से अभी के लिए कार्निवल गेमिंग, लेकिन उनके खिलाड़ी को वहां से नॉकआउट किया जरूर गया है। बट इस फाइट के दौरान यहाँ पर एक कैजुअलिटी हमें देखने को मिलती नजर आई है, रॉनी के रूप में एक झटका देखने को मिलता नजर आया। तो इस सबसे नकुल का वो ग्रेनेड जाएगा, नियो को फिर से नॉकआउट करता नजर आएगा। नियो थोड़ा संभल के रहिए क्योंकि बार बार आपको ही वापस शिकार बनाया जा रहा है, लेकिन उनको रोकने के लिए क्या गॉब्लिन का सपोर्ट मिलता नजर आएगा पीछे से। अब आती हुई नजर आएगी आपको टीम वेलोसिटी गेमिंग, उनकी तरफ से भी कुछ यहाँ पर शॉट आपने नजर आएगा, शॉट्स ले रहे थे एंड आई डोंट थिंक इधर दक्ष बच पाएंगे, बट जहां बच चुके वो इधर बाल बाल बच के निकले। लेकिन दूसरी तरफ आइकु सोल के साथ ये फाइट है, देख के ऐसा लग रहा था शुरुआत में कि आइकु सोल जो है वो एक बार फिर से जो है वो अच्छे परफॉर्मेंस दे सकते हैं जिस तरीके से जिस लय में शुरुआत किए थे, लेकिन तीन तीन टीम्स एक दूसरे को घेरने के बाद आते नजर आ सकते हैं। जी हाँ, अभी के लिए हिल टॉप की तरफ है, उस पोचिंग के हिल के बिल्कुल आजू बाजू में नजर आ रहे हैं, और शायद जैसे ही वो आगे बढ़ेंगे तुरंत ही मुझे लग रहा है कि और भी टीम्स को यहाँ पर वो क्षतिग्रस्त वहाँ पर करके नजर आ सकते हैं। दूसरी तरफ से अगर देखा जाए एक और नॉकआउट वहाँ पर, तो मुझे लग रहा है कि एक और जगह पे फाइट टीम गॉडलाइक की भी छिड़ती नजर आएगी, लेकिन आधी हल्का सा पीक क्या करे वो ग्रेनेड उनके सामने बस्ट होगा, नॉकआउट निकलेगा। बट दूसरी तरफ से ओजी यहाँ पर समाप्त करने की कोशिश कर रही है, और दूसरी तरफ से आईक्यू सोल में जो एक आखिरी उम्मीद थे उनका भी कंफर्मेशन देखने को मिलता नजर आया। यहाँ से देखिए फाइट तो चारों तरफ चल रहा है, और इस फाइट के पीछे, इस तेजी के पीछे मुझे लगता है कि फ्लाइट पाथ एक बहुत बड़ा रोल जो है वो इधर निभाते हुए दिखे इस पर्टिकुलर मैच पे। बट रियलिटी वर्सेस कार्निवल गेमिंग, कार्निवल गेमिंग धीरे धीरे इसे ही बहुत ज्यादा क्लोज करते हुए दिख चुके हैं। इधर से बचना बहुत बहुत ज्यादा मुश्किल रहेगा क्योंकि ओरिसिस एज ऑफ नाउ टीम ओरांगोटैन के साथ ये फाइट, और देखिए इतने सारे फाइट चल रहे हैं एक टाइम में समझ पाना बहुत मुश्किल हो जा रहा है कि एट द एंड जीत था, लेकिन जो दो खिलाड़ी है वो नॉकआउट हो बैठे हैं, तो प्रॉपर एक 2v2 का सिनेरियो बनता नजर आएगा। टीम ओजी यही वो मौका है अगर यहाँ से अगर आपने या फिर नहीं वो तो पता चलेगा कुछ देर के बाद, बट ऐसा लग रहा है कि एंगल चेंज कर रहे हैं। लेकिन अक्षत बहुत ओपन में आ गए थे जिधर उनके ऊपर वो शॉट्स कनेक्ट होते हुए दिखे, लेकिन ओमेगा वापस आएंगे उनके टीम के आईजीएल, उनको छोड़ के जाएंगे नहीं, शैडो को किया जाएगा नॉक को भी गोब्लिन के तरफ से, और ये कहते हुए कि हमारे प्लेयर को अगर आप करोगे नॉक तो रिवेंज लेने के लिए हम हमेशा तैयार हैं। टीम वशिष्ठा ईस्पोर्ट्स, तीन फिनिशेस है इनके पास, अपोलो को ऑलरेडी खो चुके थे एंड शायद क्या था उनको मिला और उन्होंने फिनिशिंग पॉइंट निकाले। वो कह रहे हैं कि आप हमारे गढ़ पे, हमारे घर पे आप बिन बुलाए आए हैं, बिना आप इनवाइट के आए हैं, तो हम तो काफी गुस्सा रहेंगे। और देखिए एक एक करके सभी को खदेड़ रहे हैं, बट कह सकते हैं लास्ट की जो फाइट है वो कहीं ना कहीं हमें कार्निवल गेमिंग और WSB के बीच में ही देखने को मिलती नजर आएगी। बट क्या ही कमाल का ये मैच, गाइस लगभग पांच टीम्स ने यहाँ पर अपनी एंट्री रखी थी, जिसमें वशिष्ठा ईस्पोर्ट्स उनका तो अंदाजा भी नहीं था, वो आए जरूर लेकिन उनका भी कहीं ना कहीं यहाँ पर एलिमिनेशन हमें देखने को मिलता नजर आ सकता है, और शायद जहां तक मुझे लग रहा है आ चुका है। जी हाँ, तीन फ्रैग जरूर निकाले उन्होंने थर्ड पार्टी के जरिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनका भी कंफर्मेशन, बट गॉब्लिन को तो जरा कोई रोकिए, सात फ्रैग्स निकाल चुका है ये खिलाड़ी, टोटल आठ में से सात फ्रैग्स, 90% का इस खिलाड़ी का कंट्रीब्यूशन अपनी टीम के लिए। बट जी हाँ, यहाँ से सर्वाइव करके तो बहुत बढ़िया रहेगा कार्निवल के पर्सपेक्टिव से। बिल्कुल, देखिए इधर से सर्वाइव करना बहुत बहुत ज्यादा बेहतरीन रहेगा अगर वो कर जाते हैं, एंड आई थिंक देख के तो वैसा ही लग रहा है क्योंकि ज़ेरिफ आखिरी प्लेयर है, कोशिश यही है उनका कि वो पीछे जाए और रिवाइव करे। चलिए वो आखिरी नहीं थे, अभी भी एक प्लेयर जिंदा है WSB के, एंड ओके सो उनके ऊपर भी उनका पोजीशन मुझे लगता है कि पता चल चुका है कार्निवल गेमिंग को। कार्निवल गेमिंग का जो एंट्री हुआ उस एंट्री के बाद पूरा पोचिंग की खाली होता हुआ दिखा, और आखिर में जो टीम बचा हुआ है वो है कार्निवल गेमिंग और गॉब। WSB के एक प्लेयर तो बचे हैं, क्या उनको भी शटडाउन करा जा सकता है? ट्राई आउट की तरह से अक्षत को नॉकआउट किया जाएगा, ओमेगा भी डाउन हो जाएंगे, गॉब्लिन अभी के लिए जो सुपरस्टार है इस मैच के, उनके साथ ये लड़ाई ट्राई आउट वर्सेस गॉब्लिन 1v1 का ये फाइट। गॉब्लिन आगे बढ़ेंगे, उनका TBS और उनका फॉर्म दोनों ही अभी आज टॉप नॉच प्रदर्शन दिखाते हुए, और ये प्रदर्शन किस तरीके से निकाला जाएगा, जस्ट ओनली 10 HP, जोन डैमेज भी
थोड़ा बहुत लगता हुआ क्लोजिंग करने की कोशिश करा जा भी सकता है। पीछे गए ट्राई आउट अपने आप को हील करेंगे जरूर। चार फर्स्ट के थे अभी के लिए हो चुका है तीन, लेकिन गोब्लिन को नॉकआउट किया जाएगा एंड मे बी ये एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है ट्राई आउट के लिए। बट नो वे, ओ माय गॉड, ओमेगा ओमेगा ने टच करते हुए लेकिन क्या बच गए, नहीं बच पाए, जोन के बाहर समाप्त। स्मोक्स की कोशिश की गई है वहां पे, गोब्लिन ने अपोलो को डाउन किया है, तुरंत पलटवार आ चुका है। भाई रेकनिंग की बात करें तो ओपन में ग्रेविटी भी डाउन है, इनसेन शैडो फिनिश लेके जाएंगे अपनी टीम के लिए। यहाँ पे नियो के सामने सीक्रेट आते हुए और ये शॉट, बेहतरीन करेक्शन मिला है नियो को, जरूरत थी इस करेक्शन की। शैडो इज ऑल्सो डाउन, अपोलो का वहाँ पे रिवाइवल हो रहा है, दो ही खिलाड़ी बचे हुए। अब देखते हैं यहाँ पे कंफर्मेशन तो आ जाएगा वशिष्ठा ईस्पोर्ट्स के अगेंस्ट, लेकिन अब अक्षत को भी बचाना पड़ेगा। देखिए चोट तो यहाँ पे कार्निवल गेमिंग को भी खानी पड़ी, लेकिन अभी वशिष्ठा ईस्पोर्ट्स बहुत बड़ी मुश्किल में नजर आ रही है। स्प्रे यही कर रहे होंगे कुछ भी करके, वो ग्रेनेड का थ्रो उसका इस्तेमाल ना हो जाए, बट अभी के लिए गोब्लिन शायद मेरे ख्याल से एक गलत ग्रेनेड शायद आसपास में गिरता नजर आया। जी हाँ, गलती से यहाँ पर कह सकते हैं बिल्कुल टकराता हुआ उनके पास से ही फटता नजर आया, लेकिन अच्छी बात है कि सही वक्त पे पीछे हट गए थे वो यहाँ से, लेकिन अब नहीं। अब ये गलती देखिए फॉर्ड नहीं करना चाहेंगे, हो सकता है विक्सी का यहाँ पर समापन देखने को मिल जाए, लेकिन अपोलो बहुत ही बढ़िया निशाना साधे गोब्लिन के ऊपर। दूसरी तरफ से अक्षत यहाँ पर निकालेंगे नॉकआउट एक और खिलाड़ी का, दो फ्रैग्स अभी के लिए खाते में जुड़ चुके हैं, बट गोब्लिन बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि यहाँ पर एक छोटी सी माइनर मिस्टेक के चलते उनका कन्फर्मेशन देखने को मिल जाए। बट चलिए सही वक्त पे विजार्ड टावर की तरफ चले जाएंगे, बट अंदर बच जाइए थोड़ा पीछे से अगर रहे तो बेहतर गया से, बट मुझे लग रहा है कि अक्षत शायद अंदर जी नहीं, यहीं पर ही रिवाइवल की प्रक्रिया को अंजाम दे दिया गया। लेकिन नियो सामने खिलाड़ी आ चुके हैं, वशिष्ठ को पता है दिस इज द डू और डाई मोमेंट, यहीं पर जाकर वो आगे बढ़ेंगे। निकालने की कोशिश यहां पर नॉकआउट की, रिवाइवल की प्रक्रिया को अंजाम दे दिया गया, क्या यहां पर वो 2v4 अंजाम दे दिया जाएगा कि नहीं, मुश्किल अभी के लिए टीम वशिष्ठ के लिए नजर आ रहे हैं यहां से। देखिए कमिट तो कर रहे हैं अक्षत, दूसरे छोर से बचे हुए कार्निवल गेमिंग के खिलाड़ी भी अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं। अक्षत मौली लगी तो है यहाँ पे, बच के निकलना थोड़ा सा मुश्किल होगा। विक्स की भी डाउन होते हुए नजर आए, गोब्लिन ने अक्षत को डाउन किया है यहाँ पे, लेकिन अब तीन खिलाड़ियों के साथ क्या आगे कुछ कर पाएंगे। अपोलो भी शट डाउन, वशिष्ठा ईस्पोर्ट्स एलिमिनेट होती हुई नजर आई। या दूसरी टीम वैनम गेमिंग उनका नाम, जा रहे हैं प्लेयर टू ब्लू जोन में से निकल के अभी के लिए गेम के अंदर जाना पड़ेगा, लेकिन AKOP गाड़ी से लगी टक्कर और AKOP को कार्निवल गेमिंग के खिलाफ नुकसान होता हुआ। ये तो इतना बड़ा रिस्क उठा रहे हैं, क्या करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं अगर हल्की सी बुलेट्स और, क्योंकि ब्लू जोन आएगा। बट कार्निवल गेमिंग की बात करें इनके पास भी अच्छा स्पॉट है, हाइट है, सर्कल के अंदर है और आसपास बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं, और इन चैलेंजेस को फेस करते हुए तक्ष को शट डाउन किया। सैयद पास के पेड़ के पीछे हैं और सामने स्नाइपर टावर के आसपास भी खिलाड़ी है, अक्षत भी कोशिश कर रहे हैं, साथ में टीम हेक्टर के अगेंस्ट भी फाइट हो रही है उनकी। या नियो इस दौरान उस धमाके के चलते हुए हैं यहाँ से नॉकआउट, देखो जाए तो अभी के लिए इस लॉबी में बिल्कुल तबाही सी मचा हुई है अभी के लिए नियो ने, लेकिन उस तो भाई को कंटिन्यू करवाना चाहती है तो बचाना उनको बहुत जरूरी है। और अक्षत की तरफ से ग्रेनेड भाई तो जरूर थे, लेकिन देखिए स्मोक के चलते उनको एग्जैक्ट पीछे नहीं पता चल रही, बट प्लेयर तो दिख चुका है। जी हाँ, ट्राई आउट नामक वो खिलाड़ी टीम हेक्टर की तरफ से कुछ ज्यादा हल्का सा ओपन में क्या आ गया और उसका फायदा उठाते नजर आ, और मुझे लग रहा है कि अब स्लैमन की वो तैयारी कर ली गई है, एंड मुझे लग रहा है कि डायरेक्टली स्लैमन की बजाय थोड़ा इन्फॉर्मेशन लेके वापस आगे बढ़ेंगे। और बहुत बढ़िया यहाँ पर पेशेंस टेस्ट यहाँ पर नजर आ रहा है उनकी तरफ से, अक्षत की तरफ से ज्यादा आगे कुछ नहीं बढ़ रहे, देख रहे हैं पहले स्पॉट कर रहे हैं और जितने भी नॉकआउट है पहले उनको समाप्त करके तब शायद क्या पता वो 1v1 फाइट लेने के लिए आगे बढ़ते नजर आ जाए यहाँ पर ह्यूमराइट के अगेंस्ट पे। देखिए अक्षत ना फुली कमिट नहीं कर सकते इस समय पे, हालांकि ओमेगा उनकी बैक को गार्ड कर रहे हैं और पीछे टीम जीरो का स्क्वाड भी है, अगर आपने ध्यान दिया हो टीम जीरो का स्क्वाड भी इन्वेजन कर रहा है, और वो हल्का सा जो एरिया है जो बीच में खुली सड़क है वहां को उसको क्रॉस करने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि ओमेगा खड़े हैं कॉन्स्टेंटली, ओमेगा भी वहां से शॉट्स ले रहे हैं। बट अभी के लिए रेवेनेंट ईस्पोर्ट सीम लाइक मौजूद है, अक्षत आगे बढ़ रहे हैं, K9 ह्यूमनॉइड सामने नजर आते हुए, अब आखिरी खिलाड़ी इनके ऊपर अक्षत ग्रेनेड का प्रहार करने की कोशिश कर रहे हैं, कवर तो है, एंड देयर वी गो, अक्षत वेल कैलकुलेटेड ग्रेनेड प्रिसिशन के साथ फेंका हुआ, पांच फिनिशेस खाते में खेल रहे हैं। इट्स बेटर कि आप सबको भी मुकाबले रहे, आप अपने दोनों ही चारों खिलाड़ियों के साथ अगर आएंगे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि इस मुकाबले में छठे पायदान से ही इनको संतुष्ट रहना पड़ेगा। दूसरे से कार्निवल गेमिंग की ओमेगा जैसे हमने बोला भी था यहाँ से, ओ सामने से जस्ट गुजरे हैं, टकराए हल्का सा कह सकते हैं, बस कनेक्शन भी नहीं बना, अदरवाइज वो नॉकआउट भी खा सकते हैं, लेकिन यहाँ तो चलिए ओमेगा को फायदा मिलता नजर आया एटलीस्ट जाने से पहले वो। जी हाँ, उसी के साथ दूसरी तरफ अगर
नजर डाले तो ओमेगा उधर जो कर सकती थी यहाँ से, लेकिन अब ध्यान रखना पड़ेगा अभी के लिए इन सभी चीज से फाइट अवॉइड कर रही है टीम इनसेन। तो अभी टॉप 8 टीम्स देखने के लिए मिलते हुए और दूसरी तरफ नियो लल्ला बॉय को शट डाउन करेंगे। देखिए अभी मैक्स और फ्यूरियस दिख रहा है वो खिलाड़ी स्पॉट हो जाएगा, डैमेज खाएगा और TWO भी उनका भी सफर यहां पर समाप्त होता नजर आएगा। लेकिन सबकी नजर है टीम इनसेन के ऊपर, क्या टीम इनसेन यहां पर वो क्रूशियल 10 अंक निकाल सकते कि नहीं, क्योंकि सब कुछ देखिए डिपेंड करेगा। और अभी के लिए अगर मैं देखूं काउंट करूं यहां से भी एलिमिनेशन का मतलब है 7 अंक मिलना, 4 प्लेसमेंट पॉइंट के 3 आपके, बट चलिए एक और एड ऑन हो चुका है यानी 8 अंक। अभी भी मुझे लग रहा है कि 2 अंक लेना यहाँ पर बाकी है टीम इनसेन की तरफ से, तो होल्ड कीजिए क्योंकि आपके सर्वाइवल ही आपको जिता सकते हैं आपको टिकट यहाँ पर ग्रैंड फाइनल्स का। देखिए आपके सर्वाइवल ही आपको जिता सकते हैं ग्रैंड फाइनल का टिकट, और वो टिकट शायद हाथ से निकल चुका है क्योंकि TWOB का खात्मा हो चुका है। टॉप 4 टीम इधर देखने के लिए मिलेगा। चलिए हेक्टर का भी काम तमाम हो चुका है, पर टीम हेक्टर अपना जगह जो है वो कंफर्म करके ही रखे थे। अभी के जो लड़ाई है वो टीम इनसेन वर्सेस कार्निवल गेमिंग का, और रेकेनिक स्पोर्ट्स के एक प्लेयर जो है वो काफ़ी दूर दराज अपने आप को थोड़ा सा होल्ड करा के रखते हुए, जो कि उनके लिए एक अच्छा डिसीजन भी है क्योंकि अकेले इधर इतने सारे प्लेयर के बीच में घुसने का कोई पॉइंट नहीं बनता, तो वो इधर थोड़ा दूर रहेंगे और अपने आप को हील करने की ही जो कोशिश है वो करते हुए दिखेंगे। बट ये फाइट ये 4v3 का अपन देखने को मिलेगा, लेकिन टीम इनसेन क्या कमाल की पारी खेलते नजर आए हैं खिलाड़ी, क्योंकि लास्ट में अगर ये अंक नहीं निकालती है, फ्रैग्स नहीं बटोरती है, प्लेसमेंट पॉइंट नहीं बटोरते, तो शायद ये अभी के लिए जो सपना था उनका फाइनल्स में जाने का वो सब, ये फ्रैग्स नहीं बटोरती है, प्लेसमेंट पॉइंट नहीं बटोरते, तो शायद ये अभी के लिए जो सपना था उनका फाइनल्स में जाने का वो सपना ही रह जाता, बहुत अधूरा हो जाता। लेकिन चलिए कार्निवल गेमिंग कोशिश कर रही है उनके अभी के लिए थोड़ा सा रोकने में, चिकन भी रोकने के लिए यहाँ पर कामयाबी उनको मिल पाती है कि नहीं। लेट्स सी क्या वो ये चिकन इन्हें निकाल पाते हैं कि नहीं, क्योंकि गॉब्लिन जो आज के दिन में बहुत ज़्यादा डेंजरसली परफॉर्म कर रहे थे उनको तो अभी चुप करा दिया गया है, नॉकआउट किया गया है, नियो को भी डाउन कर दिया जाएगा इंस्टेंटली। ओके सो नियो है, गॉब्लिन का वो जो फिनिश पॉइंट है वो इधर सिक्योर किया गया था। 3v3 का ये फाइट है और ये 3v3 के फाइट पे अक्षत का ये ग्रेनेड, ओ माय गॉड अप्पू फंस गए, वो रेडी नहीं थे ये फाइट को लेने के लिए, लेकिन ऐसे मोमेंट में आपको हर एक टाइम रेडी रहना होगा क्योंकि कोई मौका नहीं है। सेकंड लेवल को भी शट डाउन कर दिया जाएगा विद दैट आखिरी प्लेयर और उनको भी समाप्त करके कार्निवल गेमिंग।